हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग जानेंगे नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम में हम लोग जानेंगे वास्तविक संख्या को, और वास्तविक संख्या से रिलेटेड और भी जो संख्याएं होती है उनके बारे में हम लोग यहाँ सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो पहला चैप्टर जैसे कि क्लास टेंथ का आता है वास्तविक संख्याएं। इस वास्तविक संख्या को समझना सबसे इम्पोर्टेंट है, इससे आपकी बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में या अन्य बोर्ड एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए जानते हैं वास्तविक संख्या क्या होती है। तो वास्तविक संख्या की परिभाषा यहाँ पे हम बताए हुए हैं कि वास्तविक संख्या क्या होती है। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या है उनकी संग्रह को हम वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर कहते हैं। यानी यहाँ पे परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या की जो फैमिली है उन फैमिली को हम लोग या उन सेट्स को हम लोग कहते हैं वास्तविक संख्या। जैसे उदाहरण में 1/2, 5, 0, √2, √2+1, √5-1, पाई और पाई प्लस वन, और भी उदाहरण हो सकता है। इनकी उदाहरण हो गया वास्तविक संख्या का। अब यहाँ वास्तविक संख्या के बारे में सबसे पहले बताने वाले जो मैथमेटिशियन था या जिसको गणितज्ञ कहते हैं वो डेडीकेंड था। तो डेडीकेंड सबसे पहली बात रखी वास्तविक संख्या और वास्तविक संख्या पर और वास्तविक संख्या के बारे में बताए। तो यहाँ विशेष बात ये याद रखना कि वास्तविक संख्या के बारे में चर्चा करने वाले सबसे प्रथम जो मैथमेटिशियन था यानी गणितज्ञ था वो डेडीकेंड था। अब हम लोग यहाँ पे वास्तविक संख्या की परिभाषा जान गए हैं। वास्तविक संख्या की परिभाषा जानने के बाद हम लोग यहाँ सीखेंगे कि वास्तविक संख्या की जो फैमिली है उन फैमिली का क्या रोल है उनको जानते हैं। तो वास्तविक संख्या देखिए, वास्तविक संख्या दो प्रकार की होती है, एक परिमेय संख्या होती है और दूसरा अपरिमेय संख्या होती है। तो वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या आते हैं और अपरिमेय संख्या आते हैं। तो सबसे पहली बात है कि ये परिमेय संख्या को जानना कि परिमेय संख्या क्या है। तो परिमेय संख्या का परिभाषा आप लोग सबसे पहले से जानते आ रहे हैं कि वैसी संख्या जो p बाय q के रूप में लिखी जाए जहां q बराबर 0 न हो या q डज नॉट इक्वल 0 हो उनको हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। यहां हम परिमेय संख्या का परिभाषा इस प्रकार से बताएंगे जो आपकी ऑब्जेक्टिव बनाने में सहूलियत होगा और आप अच्छे ऑब्जेक्टिव को बना सकते हैं। तो यहाँ परिमेय संख्या की जहां तक की बात है तो परिमेय संख्या की परिभाषा तो आप पहले से जानते हैं, लेकिन एक अलग ढंग से जानना है कि परिमेय संख्या क्या होती है। तो परिमेय संख्या की हम बात यहाँ करते हैं, परिमेय संख्या क्या है। तो देखिए परिमेय संख्या क्या होती है, वैसी संख्या होती है जो शांत और अशांत होते हैं। शांत संख्या और अशांत आवृत्ति, शांत संख्या और अशांत आवृत्ति की जो संख्या होती है वे सभी को हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या का परिभाषा आप इस प्रकार देंगे कि ऐसी संख्या जो शांत संख्या और अशांत आवृत्ति हो उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। इसको शांत को कहते हैं टर्मिनेटिंग और अशांत आवृत्ति को कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग और टर्मिनेटिंग की जो समूह वाली संख्या है उनको हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। तो परिमेय संख्या का सिंपली बात हुआ कि जो संख्या शांत होगी और अशांत आवृत्ति होगी उनको हम लोग परिमेय संख्या कहेंगे। अब देखिए परिमेय संख्या को जानने के लिए एक उदाहरण के तौर पे जानते हैं कि 1/8 जो है 1/8 परिमेय संख्या है, 1/7 जो है वो भी परिमेय संख्या है। तो ये 1/8 और 1/7 जो है ये परिमेय संख्या है। अब देखिए इसकी शांत की जहां कहने की बात हुआ तो शांत को समझने के लिए सबसे पहले देखिए क्या करते हैं, 8 से 1 में डिवाइड करते हैं, यानी 8 से डिवाइड करते हैं 1 को। तो यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे 1 0 बैठाते हैं, यहाँ पे 0.0 देते हैं। अब 8 × 1 = 8 लगाते हैं तो 10 में से 8 गया 2 बचा, यहाँ 0 तो 8 × 2 = 16 बचा। अब जाकर के यहाँ पे 4 उतरेगा और ये कट जाएगा और यहाँ पे 0 बैठाइएगा, 8 × 5 = 40 ये कट गया। तो ये देखिए दशमलव के बाद अगर पूरा पूरा कट जाता है तो वो शांत संख्या होती है। जो दशमलव के बाद पूरा पूरा कट जाए वो शांत संख्या होती है, यानी कि इसको इससे इसमें भागा दिए तो भागा देने के बाद दशमलव के बाद पूरा पूरा कट गया तो वो संख्या शांत होती है। अब देखिए एक और संख्या का उदाहरण लिए, ये भी परिमेय संख्या है। अब इसको कैसे करते हैं देखिए,
सेवन डिवाइड वन करते हैं। तो अगर ऐसा डिवाइड करते हैं तो यहाँ देखिए करने पर क्या होता है, जीरो पॉइंट देते हैं, यहाँ जीरो होता है, यहाँ पे सात देते हैं, यहाँ पे तीन उतरता है, और यहाँ पे फिर जा करके आपको जीरो उतारना पड़ता है, आप सात चौके अट्ठाईस लगाते हैं, यहाँ पे दो उतरता है, फिर जीरो देते हैं, और यहाँ पे लगाते हैं सात दो नौ चौदह लगाते हैं, यहाँ पे कितना हो जाता है छह हो जाता है और ये कट जाता है। इसके बाद आपको फिर भागा देते हैं, यहाँ पे जीरो सात अठे छप्पन लगाते हैं, छप्पन लगाने के बाद यहाँ पे क्या हो गया चार हो गया, ये कट गया, चार उतरा, फिर जाकर के जीरो उतारे, सात सात बचे पैंतीस लगाए और यहाँ पे उतर गया आपका पांच, और फिर जीरो लगाते हैं और सात चौके अट्ठाईस, सात चौके अट्ठाईस लगाते हैं, यहाँ पे दो उतर जाते हैं। ये भागा देते हैं और भागा देते देते अगर भागा दे रहे हैं दशमलव के बाद भी अगर नहीं कट रहा है, भागा दे रहे हैं और दशमलव के बाद अगर नहीं कट रहा है तो वो अशांत संख्या होती है, अशांत आवृत्ति होती है। तो अशांत आवृत्ति जो है वो और शांत संख्या जो है वो दोनों क्या है परिमेय संख्या है। तो शांत संख्या और अशांत आवृत्ति वाली जो भी संख्या होगी उनको हम लोग परिमेय संख्या कहेंगे। तो परिमेय संख्या का जनरली रूप आप जानिए कि परिमेय संख्या क्या है जी, यानी कि इसका परिमेय संख्या का परिभाषा हम बताएं कि ऐसी संख्या जो शांत और अशांत आवृत्ति की हो उनको हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। अब देखिए शांत को समझने के लिए एक और भी कंडीशन है कि शांत संख्या कौन होगी और कौन ना होगी। तो शांत संख्या का मतलब जो है शांत संख्या कब होगी इसकी एक मतलब कथन दिया गया है और उस कथन की मदद से आप डायरेक्टली आप कह सकते हैं कि यह संख्या शांत है या अशांत है बिना भागा दिए हो। तो इनका एक बस फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूला को जानिए कि जो संख्या p बटे 2 पे पावर m गुना 5 पावर n के रूप में होती है, वह संख्या जो p बटे 2 पे पावर m और 5 पावर n के रूप में होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं शांत संख्या कहती है। यानी इस रूप में जो भी संख्या होगी वो शांत संख्या होगी। जैसे कि हमने एक उदाहरण यहाँ पे लिए थे, क्या ए वन बाय एट लिए थे, वन बाय एट लिए थे, तो वन बाय एट को अगर चेक करते हैं तो वन बाय एट को ये वन बाय एट को वन बाय एट जो है ये वन बाय एट को हम लिख सकते हैं वन बाय टू पे पावर थ्री, यहाँ गुना का चिन्ह दे करके पांच पे पावर जीरो दे सकते हैं, पांच पे पावर जीरो का मतलब यहाँ हुआ एक मान हो गया। तो ये इस फॉर्म को मतलब निर्धारित करने के लिए पी बटे टू पे पावर एम इंटू फाइव पावर एन के रूप में लाने के लिए फाइव पावर जीरो दे दिए। अब देखिए वन बाय एट जो है इस रूप में है, तो इस रूप में जो भी संख्या होगा इस रूप में जो भी संख्या होगा वो शांत होगा, और जो संख्या इस रूप में नहीं होगा यानी वन बाय टू पावर थ्री गुना पांच पावर जीरो अगर इस रूप में आया वन बाय एट तो ये अशांत संख्या हो गया, अगर इस रूप में अगर नहीं आया तो अशांत संख्या होगा। जैसे कि वन बाय सेवन को अगर करते हैं तो वन बाय सेवन जो है सेवन का अगर फैक्टर करते हैं तो सेवन का वन और सेवन फैक्टर ही होता है, उनका पूरा वो टू और फाइव के रूप में नीचे वाला नहीं आता है, इसलिए वो अशांत संख्या होती है या अशांत आवृत्ति उनको कहते हैं। तो जो संख्या अशांत आवृत्ति होती है और शांत संख्या होती है उनको हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। अब परिमेय संख्या को सबसे पहली बात यही मेन चीज है समझने की परिमेय संख्या क्या है। ऐसे नेचुरली आप लोग परिमेय संख्या का परिभाषा पहले से जानते आ रहे हैं कि परिमेय संख्या क्या होती है। तो परिमेय संख्या को हम लोग जानते हैं कि वे ऐसी संख्या जो पी बाय क्यू के रूप में, लेकिन बट पी बाय क्यू क्या ऐसे होती है क्या होती है उनको डिक्लियर रूप से आप नहीं समझ पा रहे थे। तो इसको समझने के लिए मेनली आपको याद रखना है कि परिमेय संख्या क्या है। तो परिमेय संख्या का परिभाषा दे सकते हैं कि वैसी संख्या जो शांत होती है और अशांत आवृत्ति होती है उनको हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। यानी कि जो संख्या शांत होगी और अशांत आवृत्ति की होगी वो सभी संख्या परिमेय संख्या कहलाएगी। तो परिमेय संख्या को हम लोग यहाँ समझ लिए। अब जानते हैं परिमेय संख्या की कुछ और विशेष बात कि परिमेय संख्या कितने तरह की होती है, परिमेय संख्या कितने प्रकार की होती है। तो परिमेय संख्या मेनली दो प्रकार की होती है, एक भिन्न के रूप में होती है, एक पूर्णांक के रूप में होती है। यानी आप इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि परिमेय संख्या परिभाषा अगर देना है तो आप इस प्रकार से भी कह सकते हैं वह संख्या जो भिन्न और पूर्णांक होती है वो परिमेय संख्या होती है। जो संख्या भिन्न हो और पूर्णांक हो वो परिमेय संख्या है। इसके लिए कुछ रिक्टिशन है, क्या भिन्न क्या होती है, पूर्णांक क्या होती है, ये चीज को जानना जरूरी होती है। क्योंकि हम लोग जान रहे हैं नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम में पूरी चीज को जानना पड़ता है कि नंबर सिस्टम
किस प्रकार की होती है, इसका कैसे अध्ययन करेंगे। तो भिन्न देखिए, भिन्न मतलब होता है इंग्लिश में फ्रैक्शन, और पूर्णांक, भिन्न संख्या और पूर्णांक जो होती है, जो भी भिन्न संख्या है या जो भी पूर्णांक संख्या है वह परिमेय संख्या है। तो भिन्न मतलब हुआ फ्रैक्शन इंग्लिश में। अब भिन्न देखिए क्या होता है, भिन्न का मतलब हुआ कि वह संख्या जो पी बाय क्यू के रूप में लिखा जाए, जो संख्या पी बाय क्यू के रूप में लिखा जाए, जहां जहां क्यू डज नॉट इक्वल जीरो और एक होना चाहिए। जो संख्या पी बाय क्यू के रूप में लिखा जाए और क्यू के जगह पर न तो जीरो आना चाहिए और न तो एक आना चाहिए, वो भिन्न संख्या है। जैसे अगर बात करते हैं वन बाय टू की बात करते हैं, तो वन बाय टू अगर लिए तो वन बाय टू एक भिन्न संख्या है, क्योंकि यहाँ पे q नीचे जो है q के बदले यहाँ न तो जीरो है न तो एक है, यहाँ पे दो है, तो इसलिए ये वन बाय टू भिन्न संख्या हुआ। अगर बात करें थ्री, तो थ्री क्या है, ये थ्री जो है ये पूर्णांक में आ जाता है, ये पूर्णांक संख्या में आ जाता है, क्योंकि पूर्णांक का परिभाषा होता है जो संख्या पी बाय क्यू के रूप में लिखा जाए जहां क्यू बराबर एक हो। अगर क्यू बराबर एक आता है तो वो पूर्णांक हो जाता है, अगर क्यू बराबर जीरो और एक नहीं आता है तो वो क्या होता है, वो भिन्न हो जाता है। तो भिन्न और पूर्णांक ये दो चीज को जानना जरूरी है कि भिन्न क्या होता है और पूर्णांक क्या होता है। तो जनरली आपको ये याद रखना है कि जो भी भिन्न संख्या है वो सभी भिन्न क्या है, परिमेय संख्या है, और जो भी पूर्णांक है वो सभी पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या होती है। आप नाइन्थ क्लास में ऐसी मतलब वो एक लाइन वाला क्वेश्चन या एक शब्द में या एक वाक्य में जो उत्तर देने के लिए पूछते थे उसमें आप लोग पढ़ चुके होंगे। तो जितने भी भिन्न संख्या है वो परिमेय संख्या है, जितने भी पूर्णांक संख्या है वो परिमेय संख्या है। तो भिन्न का मतलब फ्रैक्शन, जो संख्या पी बाय क्यू के रूप में लिखा जाए जहां क्यू डज नॉट इक्वल जीरो और एक हो, उनको हम लोग भिन्न कहते हैं। अब देखिए पूर्णांक का मतलब हुआ जो संख्या पी बाय क्यू के रूप में लिखा जाए और क्यू बराबर यहां पर एक होना चाहिए। पूर्णांक तब होगा जब क्यू बराबर एक होगा, और पूर्णांक तब नहीं होगा जब क्यू बराबर जीरो और एक नहीं होगा। जब जीरो बराबर मतलब क्यू बराबर जीरो और एक नहीं होता है तब वो भिन्न होता है। पूर्णांक का मतलब ये हुआ जो जिसमें क्यू बराबर एक होना चाहिए। तो क्यू बराबर अगर एक होता है तो वो पूर्णांक होता है, अगर क्यू बराबर जीरो और एक आता है तो वो क्या हो जाता है, भिन्न हो जाता है। जनरली आप ये चीज को समझ चुके हैं। अब देखिए यहाँ पे पूर्णांक को जानना क्या है, पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक को जान लिए। अब देखिए पूर्णांक को इंग्लिश में इंटीजर कहते हैं। इंटीजर जो होती है, ये इंटीजर तीन तरह की होती है। एक पीआई लिखे, पीआई का मतलब पॉजिटिव इंटीजर हुआ, और यहाँ जेडआई लिखा हुआ है यानी जीरो इंटीजर हुआ, यहाँ पर एनआई लिखा हुआ है नेगेटिव इंटीजर हुआ। तो पीआई जेडआई एनआई यानी कि धनात्मक पूर्णांक, शून्य पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक। पूर्णांक तीन तरह की होती है, तीन प्रकार की होती है। तो ये तीन तरीका की पूर्णांक जो होती है इनको जानना जरूरी होता है। तो पूर्णांक तीन प्रकार की कौन कौन सा होती है, एक धनात्मक पूर्णांक जिसको इंग्लिश में कहते हैं क्या, पॉजिटिव इंटीजर, और जेड आई एक दूसरा पूर्णांक होता है जिसको कहते हैं शून्य पूर्णांक, एक होता है एन आई यानी निगेटिव पूर्णांक यानी ऋणात्मक पूर्णांक। यानी कि धनात्मक पूर्णांक, शून्य पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक। पूर्णांक तीन प्रकार का, एक धनात्मक पूर्णांक, दूसरा जीरो पूर्णांक, और जीरो मतलब शून्य पूर्णांक, एन आई मतलब निगेटिव पूर्णांक यानी ऋणात्मक पूर्णांक। अब देखिए पूर्णांक यहाँ धनात्मक पूर्णांक में हो गया 1, 2, 3 .. ये सभी धनात्मक में आते हैं। तो जो संख्या मतलब धन के रूप में होते हैं, पॉजिटिव के रूप में होती है, उनको धन पूर्णांक कहते हैं या धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। जैसे 1, 2, 3 .. ये सभी प्लस में है तो ये धनात्मक पूर्णांक हुआ। अब देखिए जीरो जो है वो जीरो पूर्णांक, उसके बाद निगेटिव पूर्णांक क्या है, -1, -2, -3 ये .. ये जो भी माइनस में संख्या आती है उसको हम लोग कहते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। पूर्णांक कितने प्रकार का, तीन प्रकार का, धनात्मक पूर्णांक, शून्य पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक। पूर्णांक तीन तरीका का होता है, तीनों की बात यहाँ पे हुई। अब देखिए यहाँ पे विशेष बात ये है कि यहाँ पे धनात्मक पूर्णांक और जीरो पूर्णांक को समझ लिए, तो जीरो पूर्णांक और धनात्मक पूर्णांक समझ लेने के बाद यहाँ पे एक और चीज जान लीजिए कि क्या है। धनात्मक पूर्णांक की बात यहाँ पे हुआ, धनात्मक पूर्णांक की बात हुआ,
तो धनात्मक पूर्णांक में हम लोग यहाँ जाने कि 1, 2, 3 डॉट डॉट, ये सभी धनात्मक पूर्णांक है। ये सभी संख्या को धनात्मक पूर्णांक जो भी होती है उनको हम लोग प्राकृतिक संख्या भी कहते हैं, प्राकृत संख्या भी कहते हैं। धनात्मक पूर्णांक जो भी होती है वो धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक को आप लोग निश्चित रूप से प्राकृत संख्या कह सकते हैं, यानी नेचुरल नंबर कह सकते हैं। नेचुरल नंबर क्या होती है? जो गिनती की संख्या होती है। ये हम लोग जानते हैं कि नेचुरल नंबर की परिभाषा क्या होती है, जो गिनती की संख्या होती है वे गिनती की संख्या को हम लोग कहते हैं धनात्मक पूर्णांक, यहाँ पे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो प्राकृतिक संख्या को हम यहाँ पे अगर देखते हैं, धनात्मक पूर्णांक को देखते हैं, तो ये भी एक क्या है, धनात्मक पूर्णांक क्या है, प्राकृतिक संख्या है। तो प्राकृतिक संख्या का मतलब हुआ गिनती की संख्या, और गिनती निगेटिव में नहीं मतलब करते हैं, पॉजिटिव में करते हैं, 1, 2, 3, तो ये धनात्मक पूर्णांक में आ गया। अब देखिए जीरो, जीरो को अगर इसमें शामिल कर दे प्राकृतिक संख्या में, अगर जीरो को ऐड कर दे, जीरो को अगर ऐड कर दे इसके समुच में, अगर जीरो को ऐड कर दे वो होल नंबर बन जाता है, यानी उसको पूर्ण संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या जो आप पीछे पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे जानने के लिए भी है कि प्राकृतिक और पूर्ण संख्या क्या होती है। तो प्राकृतिक संख्या जो होती है वो गिनती की संख्या 1, 2, 3, 4 यानी धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक के समुच को हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं। उसके बाद अगर धनात्मक पूर्णांक में धनात्मक पूर्णांक और शून्य पूर्णांक ये दोनों को अगर मिला के कहेंगे ये होल नंबर हो जाएगा, यानी पूर्ण संख्या हो जाएगा। तो ये आप लोग अभी जाने कि नंबर सिस्टम में ये ऐसी कंडीशन होती है। अब देखिए इतनी चीज जान लेने के बाद यहाँ पे आती है क्या, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या को जानते हैं कि अपरिमेय संख्या क्या होती है। तो अपरिमेय संख्या को आप लोग पीछे भी पढ़े हैं, 9th में पढ़े हैं, और अपरिमेय संख्या के बारे में आप यहां पे भी जानिएगा कि अपरिमेय संख्या क्या होती है। अपरिमेय संख्या जो होती है वो पी बाय क्यू के रूप में नहीं होती, इस रूप में नहीं होती है, अर्थात जो संख्या पी बाय क्यू के रूप में नहीं होती है वो संख्या हम, उस संख्या को हम अपरिमेय संख्या होती है कहते हैं, जहां q बराबर जीरो, यहां q बराबर अपरिमेय में q बराबर जीरो हो जाता है, q बराबर जीरो हो जाता है। तो वह संख्या जो p बाय q के रूप में न लिखा हो, न लिखा जाए, और जहां q बराबर जीरो हो, उनको हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। ये तो आप पीछे से जानते आ रहे हैं, अब कुछ हटके जानते हैं, थोड़ा सा अलग तरीका का जानते हैं परिभाषा, इसकी परिभाषा क्या देंगे। तो देखिए अपरिमेय संख्या जो होती है, अपरिमेय संख्या जनरली रूप से या कह सकते हैं सामान्य रूप से जो होती है अपरिमेय संख्या, वह संख्या, वह संख्या जो अशांत अनावृत्ति की होती है, जो संख्या अशांत अनावृत्ति होती है, यहां हमने बताए थे परिमेय संख्या का परिभाषा शांत और अशांत पे, जो संख्या शांत संख्या हो और अशांत आवृत्ति हो वो परिमेय संख्या होती है। परिमेय संख्या का परिभाषा हम बताएं कि जो संख्या शांत संख्या होती है और अशांत आवृत्ति होती है उसको हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं, यानी एक टर्मिनेटिंग, एक नॉन टर्मिनेटिंग वाली जो संख्या होती है उनको हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए अपरिमेय संख्या का परिभाषा बताए कि वह संख्या जो अशांत अनावृत्ति होती है, यानी कि मतलब यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग, जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग वाली संख्या होती है वो अपरिमेय संख्या होती है। अपरिमेय संख्या का परिभाषा हम बताए कि अपरिमेय संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या को परिभाषा हमने दिए कि वह संख्या जो अशांत अनावृत्ति की होती है, जो भी संख्या अशांत अनावृत्ति की होती है उनको हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। आप नोट भी कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके कि अपरिमेय संख्या क्या है, आप किसी भी जगह आप दे सकते हैं परिभाषा, आपकी परिभाषा को कोई गलती नहीं कर सकता है। अपरिमेय संख्या क्या है, तो अपरिमेय संख्या का परिभाषा बताया हमने, वह संख्या जो अशांत अनावृत्ति होती है वो परिमेय संख्या होती है। जैसे कि √2, √3, √4 अगर लेते हैं तो √4 का वर्गमूल निकल जाता है 2, तो इसलिए यह अपरिमेय संख्या नहीं है। ये √4 अपरिमेय संख्या नहीं है, √5 अपरिमेय संख्या है,
रूट सिक्स अपरिमेय संख्या, रूट सेवन अपरिमेय संख्या, ये सभी जो है अपरिमेय संख्या का उदाहरण। रूट टू, रूट थ्री, रूट फोर, रूट फोर को हम यहाँ कैलकुलेशन किए टू आ गया तो रूट फोर नहीं हुआ, रूट फाइव, रूट सिक्स, रूट सेवन। इसके अलावे जिसका वर्गमूल पूर्ण रूप से अगर नहीं निकलेगा वो अपरिमेय संख्या होगा। अपरिमेय संख्या को जान गए, अपरिमेय संख्या क्या होती है। अब देखिए अपरिमेय संख्या में नन टर्मिनेटिंग, नन रैकिंग वाली जो होती है, ये बात याद रखना, जो संख्या नन टर्मिनेटिंग, नन रैकिंग, जो नन टर्मिनेटिंग और नन रैकिंग वाली होती है उनको हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं, जैसे रूट टू, रूट थ्री, रूट फाइव, रूट सिक्स, रूट सेवन। इसका अगर वर्गमूल निकालते हैं, रूट टू का अगर वर्गमूल निकालते हैं तो इसका वर्गमूल निकलता है 1.414, और भी भागा देते रहते हैं, ये लगता रहता है, ये पूर्ण रूप से ये नहीं करता, ऐसा आता है कि वो संख्या फिर से रिपीट हो जाती है। तो ऐसी जो संख्या जो फिर से रिपीट हो जा रही है, भागा दे रहे हैं, दे रहे हैं, रिपीट हो रही है और एक निरंतर बढ़ रहा है, जैसे अगर बात करें 1.01001001001, ये अगर क्रमशः ऐसा बढ़ता गया, इस प्रकार से बढ़ता गया, जब इस प्रकार की संख्या बढ़ती जाती, इस प्रकार से अगर बढ़ती है तो अपरिमेय संख्या होती है। आप इस तरीका की देख रहे हैं, इसकी मतलब यह संख्या देख सकते हैं, यह संख्या में आप देख रहे हैं कि 1.01001001401, फिर 150 हो जाएगा और इसको डॉट डॉट से ऐसे लिख देते, ये क्या है अपरिमेय संख्या। तो यहाँ हम लोग जाने की परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या की बात। अब देखिए वास्तविक संख्या के बारे में हम लोग जाने, भिन्न को जाने, पूर्णांक को जाने, उसके बाद सम यहाँ प्राकृतिक संख्या को जाने, पूर्ण संख्या को जाने, पूर्णांक में जाने, धनात्मक पूर्णांक, शून्य पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक को जाने, साथ ही अपरिमेय संख्या को जाने। अब हम लोग कुछ अलग और भी प्रकार की संख्या को जानते हैं, और भी प्रकार की संख्या में यहाँ पे हम लोग कुछ विशेष चीज जानेंगे जो पीछे आप पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर से